अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पूरे देश में कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर ने इस कोरोना से जंग लड़ने वाले पेशेंट को किस तरह से ठीक करने की और उनका इलाज कैसे हो, पेशेंट कैसे ठीक हो, उसकी जद्दोजहद कर रहे हैं। इस महामारी के बीच मुमरा के सोनाजी नगर इलाके में रहने वाले MD डॉक्टर इमरान, जो पिछले कई दिनों से मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट का इलाज कर रहे थे और जिसके बाद लगभग एक महीने के बाद डॉक्टर इमरान को छुट्टी दिया गया है। फिलहाल एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर आए हैं और जैसे ही आज शाम करीब 4 बजे डॉक्टर इमरान अपने घर लौटे, सोनाजी नगर इलाके के लोगों ने शॉल और फूल देकर डॉक्टर इमरान का स्वागत किया है। इस बीच नगर सेवक शानू पठान और डॉक्टर इमरान ने क्या कहा है, आप पहले सुनिए। देखिए, ऐसा है कि उमरा को सके नहीं है, ये कि हमारे पास इमरान भाई जैसे डॉक्टर है जिन्होंने कोरोना की लड़ाई के अंदर मुंबई में कम से कम जब से लॉकडाउन हुआ आज तक वो हमें मेहनत करते रहे और ऐसी महामारी के लिए लड़ाई में डटे रखे। आज वो मुमरा के अंदर वापस आए, कई लोगों की जान बचा के, कई लोगों को अपनी जान खतरे में डाल के अपने परिवार की परवाह किए बिना इतने टाइम तक मुंबई में उन्होंने रहा, ये मुमरा को सके नहीं हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी है और मुमरा को सके नहीं सबसे खुशी का पल है। और मैं डॉक्टर सबसे अपील करूँगा कि मुमरा कोसा के नौजवानों के लिए इस बीमारी से लड़ने के लिए वो कुछ मुमरा कोसा की आवाम को राय भी दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इमरान है और मैं नानावटी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। जिस दिन से COVID-19 का जो महामारी फैली हुई है, पेंडेमिक जिसे बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, वहाँ पे जब से ये चीज़ें न्यूज़ पता चली है तो घर पे आना भी कम हो गया था और पूरी डॉक्टर की काफ़ी पूरी टीम है, मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ मेरे बड़े कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं और काफ़ी जूनियर डॉक्टर्स हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, मामा मौसी सारे लोग हैं और सभी लोग अपनी जान पे खेल के PPEs पहन के 6-6 घंटा 10-10 घंटा उस PPE में पहन के काम कर रहे हैं। बस यही क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट है आवाम से कि कोशिश ये करिए कि जितना हो सके प्रिकॉशंस लें, क्योंकि बीमारी का अभी परफेक्ट टारगेटेड इलाज नहीं है। अभी सिर्फ हम जो ले रहे हैं वो एक बोलता है इट इज़ नॉट टारगेटेड थेरेपी, इट इज़ सपोर्टिव थेरेपी। तो वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन करके एक दवा है, उसका यूज़ करके और दूसरी दवाइयों का मिक्स करके हम लोग पेशेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बात है आवाम की, तो इसमें आप लोग हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करिए, मास्क पहनिए और कोशिश ये करिए कि ऐसी भीड़ नहीं जमा होनी चाहिए। लेकिन अभी खैर ठीक है, थोड़ा कम हो गया है, तो लेकिन कोशिश ये करिए कि भीड़ में जमा इकट्ठा ना हो और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करने कहा गया है उसका पालन कीजिए अच्छे से और हाथ की सफाई जो हम इस्लामिक वे में वजू कहते हैं वो वजू में अगर 100% आप रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहने का मतलब प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशन जितना हो सके उतना लीजिए और दुआ सबके लिए कीजिए इस मुबारक महीने में, इंशाल्लाह काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे वक्त में आपको डराना होता है, क्योंकि आपको डरना नहीं होता। इसमें कैसा है कि अगर आप डर गए तो फिर आपको वार्ड में जाने से ही डर लगेगा। पहले दिन थोड़ा मायूसी थी, बट जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ते गई, जैसे जैसे चीज़ें क्या नाम है दिन आगे कटते गए, पता चलने लगा और हमको PPEs भी 100% अच्छे मिल रहे थे, तो उस वाइट सूट में पहन के काफ़ी देश के लिए कुछ करने का अंदर से मन होता था, तो ये अच्छा मौका था और इसके लिए कोई डरने की बात नहीं। जो कोरोना के जो पेशेंट थे उनकी किस तरीके से काउंसिलिंग भी की जाती थी? कहते हैं कि जो अभी जैसे COVID-19 का जो अभी पैंडेमिक चला है उस सिलसिले में काफ़ी पेशेंट स्ट्रेस्ड आउट है, मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम लोग साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के कांटेक्ट में भी है, मतलब हर पेशेंट को उनको जो स्ट्रेस है, उनको जो टेंशन आ रहा है, जो मतलब अभी ऐसा नहीं कि आपको COVID-19 हो गया है तो आपकी डेथ होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, ऐसा 100% नहीं है। अगर आप अच्छी आपका यूथ हो और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 101% ठीक हो सकते हो। तो आपने सुना डॉक्टर इमरान ने क्या कहा, मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में कोरोना से जंग लड़ रहे पेशेंट को ठीक करने में उनकी पूरी टीम लगी है और यही वजह है मुमरा ने उनका स्वागत किया है। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।